आज की इस वीडियो पबजी यूजर्स के लिए, मतलब जो पबजी खेल रहे हैं अभी, तो हर गली हर मोहल्ला हर घर में पबजी चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से पबजी का भी पिंग बहुत ज़्यादा हाई है। तो उस पिंग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका पबजी लैग कर रहा है, पिंग से कोई मतलब नहीं, अगर आपका अच्छा है बुरा वो तो बात की बात है, ठीक है। अच्छा है तब भी आपका अगर पबजी लैग कर रहा है, मतलब कि अगर आपका हरा सिग्नल दिखा रहा है नीचे पबजी में, उसके बाद भी आपका पबजी काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस वाला डिवाइस होने के बाद भी, अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस वाला डिवाइस है, मतलब कि स्नैपड्रैगन अच्छा प्रोसेसर काफ़ी अच्छा मोबाइल है, लेकिन फिर भी आपका पबजी लैग कर रहा है। और उन लोगों के लिए भी जो जिनका थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस वाला डिवाइस है उसमें भी अगर पबजी लैग कर रहा है, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका पबजी लैग नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं करने वाला आज, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका लेके आया हूँ जिससे आपका पबजी लैग होता है, और ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन उस चीज़ को कभी कोई करता नहीं है। आप अगर देख लोगे पूरा वीडियो तो आपको खुद एहसास होगा कि हाँ मैं जानता तो था लेकिन किया नहीं आज तक कभी। चलो बस वीडियो को पूरा देखना। मेरा नाम है विकास राज, आप देख रहे हो टेक्निकल शोज, सो लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे पबजी को मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। यह है वीवो Z1 प्रो मेरा फ़ोन जिसमें मैं पबजी खेलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पबजी गेम है जो स्टार्ट होने वाला है, देखते हैं कितना जल्दी स्टार्ट होता है। चलो तुरंत आ चुका है यहाँ पे पबजी का इंटरफेस, और यहाँ पे गेम होने लगा है चालू। बस जस्ट अ सेकेंड, वॉल्यूम अप कर लेता हूँ। चलो वॉल्यूम अप हो चुका है, और ये यहाँ पे हमारा पबजी हो चुका है ओपन। HR विकास मेरा नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा यूज़र आईडी भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो यूज़र आईडी भी है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको यूज़र आईडी भी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना होगा फ़ोन के सेटिंग पे, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ फ़ोन के सेटिंग पे, और यहाँ पे आपको या तो सर्च कर लेना होगा, ठीक है, ऐप मैनेजर या ऐप मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपको मोर सेटिंग दिख रहा है, मोर सेटिंग पे जाने के बाद ऐप मैनेजर में आपको जाना है। ऐप मैनेजर में जा रहे हैं के बाद आपको पबजी ढूंढना है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको पबजी दिखेगा, P4 पबजी, तो यहाँ पे पबजी मोबाइल, और यहीं पे सबसे मेन काम होगा जो आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है स्टोरेज में, स्टोरेज में जाने के बाद ये जो कैशे दिख रहा है ना, कैशे, ये गेम का कैशे है, जो कि आपका गेम इसी वजह से लैग होता है, इसी कैशे के वजह से आपका गेम लैग होता है, तो इसे आपको क्लियर कर लेना है। इससे आपका कोई भी डेटा रिमूव नहीं होगा, ठीक है, आपका फाइल जो है, जो पबजी का फाइल होता है उसको कोई भी हार्म नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपली से यहाँ पे क्लियर कैशे कर लेना। और एक और चीज़ क्या करना है कि अगर आपके फ़ोन में एक अलग आई मैनेजर दिया हुआ है जिससे आप अगर अपना फ़ोन का स्पेस क्लीन अप कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। इससे भी आपका फ़ोन जो है पूरा का पूरा फ़ोन भी लैग फ्री हो सकता है, ठीक है, यहाँ से स्पेस क्लीन हो जाता है। तो ये सब चीज़ है, ठीक है, इसी चीज़ को आपको करना है अपने फ़ोन में। एक तो गेम में जाकर क्लियर कैशे करना है, और दूसरा आपके फ़ोन के सिस्टम में जो पूरा होता है, पूरा फ़ोन के सिस्टम में जो सिस्टम कैशे होता है उसे हटाना है। ये दोनों चीज़ को अगर आप कर लेते हो तो आपका पबजी क्या, आपके फ़ोन का सारा एप्लीकेशन एकदम बिल्कुल लैग फ्री खुलेगा। डायरेक्ट क्लिक करोगे एकदम सामने आ जाएगा, ये देखो आ गया ना, एकदम लैग फ्री चलेगा एकदम बिल्कुल, चाहे इंस्टा हो तुरंत आ जाएगा, एकदम कोई भी अटक के नहीं आएगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन आइकन को जरूर दबा ले, ठीक है, अगर आपको ज़रा सा भी पबजी से प्यार है।